अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोड हमें नहीं मिलता, इंडिया का कोड कमाना पड़ता है। जहाँ अपने करियर को इम्पोर्टेंस देना काफी ज्यादा जरूरी है, वहीं अपनी पर्सनल लाइफ को भी उतना ही बेहतरीन तरीके से निभाना भी बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। और लगता है कि दंगल गर्ल बबीता फोगाट ने ना इसे पूरी दुनिया के सामने सच कर दिखाया है। बबीता फोगाट जहाँ हमें अपने रेसलिंग के दम पर कई बार इम्प्रेस करती आई है, वही उनकी लव स्टोरी भी ना एकदम इम्प्रेसिव है। 2016 में रिलीज हुई फिल्म दंगल में जहाँ हमने ये देखा था कि महावीर सिंह फोगाट अपनी बेटियों को ना कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जिताने के लिए हर उस चीज से दूर करते हैं जिससे उनका ध्यान पहलवानी से हटे, गीता फोगाट ने अपनी लव स्टोरी से ये भी साबित कर दिया कि वाकई में रेसलिंग ना उनके खून में है और वो अपनी पूरी जिंदगी में हर किसी को इंस्पायर करने के लिए तैयार रहती है। जहाँ बबीता फोगाट की रेसलिंग की कहानी ने हमें एक बेहतरीन फिल्म दी, वही उनकी लव स्टोरी भी ना किसी फिल्म से कम नहीं है और उनकी लव स्टोरी भी काफी ज्यादा दिलचस्प है। दरअसल बबीता फोगाट ने अपनी पर्सनल लाइफ में भी ना बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है, जब उन्होंने अपनी शादी में ना 7 नहीं बल्कि 8 फेरे लिए। भारतीय महिला पहलवान बबीता फोगाट की शादी विवेक सुहाग से हुई थी। विवेक पहलवानी में भारत केसरी जीत चुके हैं और वो कुश्ती का नेशनल कॉम्पिटिशन जीतने वाले चैंपियन भी है। दरअसल विवेक और बबीता की पहली मुलाकात एक रेसलिंग इवेंट के दौरान दिल्ली में ही हुई थी। इस इवेंट में ना कई सारी बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी। इस इवेंट में दोनों ने कुश्ती और रेसलिंग के साथ साथ ना एक दूसरे को भी जाना, वहीं दोनों की बातचीत शुरू हुई और दोस्ती का सिलसिला धीरे धीरे प्यार में बदल गया। बबीता ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि दरअसल वो विवेक को इसलिए पसंद करती थी क्योंकि विवेक जो है ना वो हर किसी की इज्जत करते हैं और उनसे बेहतरीन तरीके से बात करते हैं। अपने प्यार के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए विवेक सुहाग और बबीता की शादी 1 दिसंबर 2019 को हुई थी और बताया जाता है कि उनकी शादी ना काफी सिंपल तरीके से की गई। ये दोनों काफी बड़े स्पोर्ट्स स्टार हैं और काफी शानदार शादी भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ना अपने चाहने वालों के साथ एक छोटी सी शादी करना ज्यादा बेहतर समझा। शादी में काफी कम लोग शामिल हुए क्योंकि दोनों ही परिवार फिजूल खर्चों के ना खिलाफ थे। दोनों ने 7 फेरों की बजाय 8 फेरे लिए थे और उनकी शादी में ना ये बात सबसे अनोखी रही क्योंकि उनका जो 8वां फेरा था वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का था। दोनों की शादी में परिवार के लोगों के अलावा कई विदेशी पहलवान भी आए थे। उन्होंने अपनी लव स्टोरी में भी ना बेटियों को आगे बढ़ाने का ये मुद्दा सबके सामने रखा और अपनी जिंदगी को इसी फील्ड में डिवोट करने का भी फैसला किया। ये बेहतरीन लव स्टोरी किसी इंस्पायरिंग मूवी से कम नहीं है। तो क्या लगता है आपको, क्या हमें ये कहानी देखने को मिल सकती है दंगल 2 में? हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीवुड स्टूडियोज को।